नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। ओमिक्रॉन रैली और इलेक्शन, इन तीनों का क्या है कनेक्शन, अगले आधे घंटे हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में फरवरी मार्च महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसी बीच देश भर में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से बड़े आयोजनों पर रोक लगाने और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाने की सलाह दी है। कई राज्यों में तो नाइट कर्फ्यू शुरू भी हो चुका है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मोदी सरकार से 1-2 महीने चुनाव टालने और सूबे में हो रही चुनावी जनसभाओं पर रोक लगाने की अपील की है, लेकिन बावजूद इसके पार्टियां रैलियों में मशरूफ है। यूपी चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी दलों ने चुनावी रैलियां और रथ यात्रा निकालकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है और इन रैलियों और जनसभाओं में लोगों की भारी भरकम भीड़ भी जुट रही है और इसी कड़ी में आज तमाम राजनेता यूपी के महायुद्ध में आमने सामने होंगे। जी हां, आज यूपी का सुपर मंगलवार होने वाला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक हर कोई यूपी में अपना दमखम दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन जो चुनावी जनसभाएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चुनाव पोस्टपोन हो जाए, या हो सकता है कि रैलियों पर रोक लग जाए, या हो सकता है हालात जस के तस बने रहें। तो अगले आधे घंटे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या है, क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है। आज मंगलवार है और मंगलवार का दिन जो है वो सुपर मंगलवार हो रहा है, क्योंकि रैलियों को पूरी तरह से ये डेडिकेटेड है। तमाम रैलियां यहां होने जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी नड्डा हो, इनकी तमाम रैलियां यहां होने जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, इसके अलावा सपा भी, बसपा भी, कांग्रेस भी तमाम धुआंधार रैलियां कर रही हैं। तो यूपी में रैलियों का सुपर मंगलवार है। आज कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हरदोई, भदोई और सुल्तानपुर में अमित शाह की रैली होगी। बीजेपी के बड़े चेहरे आज मैदान में होंगे। हापुड़ और बदायूं में जेपी नड्डा की रैली होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा, ये बड़े चेहरे। उन्नाव में अखिलेश यादव की 4 रैलियां हैं। अखिलेश यादव क्यों पीछे हटेंगे, उन्हें भी तो इस चुनावों में फुंकार भरनी है। लखनऊ में कांग्रेस के मैराथन दौड़ है। तो बीजेपी, कांग्रेस और सपा तीनों ही मैदान में आज उतरने जा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े चेहरे आज मैदान में होने जा रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो। इसके अलावा उन्नाव में अखिलेश यादव की 4 रैलियां आज होगी। लखनऊ में कांग्रेस की मैराथन दौड़ भी होने जा रही है। तो ओमिक्रॉन के बीच माध्यम से बता रहे हैं, 112 नंबर पर नागरिक किसी भी असामान्य हरकत की सूचना दे सकते हैं। तो ये वो सुरक्षा घेरा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगाया गया है। इसके अलावा शहर में मुख्यालय और बाहरी जनपदों में फोर्स भी तैनात कर दी गई है, ताकि परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि चुनावी मोड है और चुनावी मोड में हालात कुछ भी हो सकते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है जो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में आने वाली 2235 बसों को नंबर लिखा एक पास दिया गया है, एंट्री पास जिसे बताया जा रहा है। इसके अलावा पीएम की सुरक्षा घेरों में पहला आइसोलेशन कार्डन, दूसरा इनर कार्डन और तीसरा आउटर कार्डन बनाया गया है।
तो ओमिक्रॉन के बीच रैलियों का दौर जारी है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कानपुर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत की है। क्या सुरक्षा इंतजाम है वो हमने आपको बता दिए हैं ग्राफिक्स के माध्यम से और लगातार आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं के वाहनों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर निकालने का प्रबंध भी पूरी तरह से किया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम स्थलों के आसपास की 300 इमारतों में रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई है। ये तैयारियां हैं और ये तैयारियां यहां की हुई हैं। तो एयरपोर्ट से लेकर हेलीपैड को भी सुरक्षा के लिहाज से कब्जे में लिया गया है। और मेरे सहयोगी मुनव्वर चौहान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुनव्वर, आज बेहद ही बड़ा दिन है क्योंकि आज सुपर मंगलवार है, बड़ी रैलियां आज होने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी आज मैदान में होने जा रही है। क्या कहें, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, क्या नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, ओमिक्रॉन के मामले लगातार आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए, यूपी में भी एक दो मामले आए हैं और इसके अलावा करीब 16-17 जो राज्य हैं उनमें ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई राज्यों में चुनाव है, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन एक तरफ नाइट कर्फ्यू लगाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है, सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें और घरों से बाहर ना निकले, निकले तो एहतियात बरतें। लेकिन अभी इन नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा है, एहतियात सभी को बरतना है, ना केवल जनता को, क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना कोई ऐसी महामारी नहीं है। केवल पहले देखेगी कि ये नेता है या अभिनेता है या आम जनता है, किसी को भी हो सकती है। और देश के नागरिक होने के चलते ओमिक्रॉन अगर किसी को होता है तो समस्या सिस्टम से लेकर सरकार तक सबको होती है, क्योंकि वो तैयारियां अभी शायद ग्राउंड जीरो पर नहीं दिखाई देती हैं। बताया जाता है, जो जानकार है वो कहते हैं कि ओमिक्रॉन की दस्तक अगर होगी तो देश भर में 1-2 लाख मामले प्रतिदिन प्रकाश में आ सकते हैं। ऐसे में उनसे निपटने के लिए तैयारियां ग्राउंड जीरो पर वो नहीं है। बावजूद इसके हमारे जो नेता जो कानून बनाते हैं, जो गाइडलाइन जारी करते हैं, वही अभी समझ नहीं रहे हैं कि ओमिक्रॉन से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि पूर्व में देखा गया। तो मुनव्वर की आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। देखिए, कानपुर देहात हो, रैया हो, फतेहपुर हो, इनके बैठने के लिए 70 ब्लॉक यहां पर बनाए गए हैं। इनको लाने की जिम्मेदारी 170 जिला स्तरीय अधिकारियों को सौंपी गई है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए, उनका मैं रुख करूंगी। अब मुनव्वर, देखा जाए तो पाबंदियां सिर्फ आम जनता के लिए है, आम जनता कहीं आ जा नहीं सकती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होगा तो आरटीपीसीआर दिखानी होगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू जैसे जो पाबंदियां हैं वो आम जनता पर लगी है, लेकिन ये पाबंदियां आखिर राजनेताओं पर क्यों नहीं लग रही है? क्या वजह है? क्या चुनावों में इतने मशरूफ हो चुके हैं ये कि इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ओमिक्रॉन के मामले कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं? जो स्टडीज हो रही है, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एक दिन में, जैसे कि आपने भी बताया कि 1-2 लाख मामले भी आ सकते हैं। देखिए, डेल्टा वेरिएंट जब आया था हमने हालात देखे थे, लेकिन अब हालात और बदतर हो सकते हैं, हम ऐसी स्थिति में फिर क्यों जाएं? तो मुनव्वर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क हम साधेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखा रही हूं, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है सुरक्षा के लिहाज से भी, रैलियों के लिहाज से भी और ओमिक्रॉन के लिहाज से भी। तो जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को लाने के लिए 1,235 बसों को लगाया है। वहीं दूसरे 4 जिलों से लाभार्थियों को लाने के लिए 460 बसों को लगाया गया है। ये तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर आगमन को लेकर। इस दौरे उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वहीं पीएम के आगमन को देखते हुए कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए हुए थे। ये व्यवस्था देखते ही बन रही थी। तो पीएम का सुरक्षा चक्र क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जत्था पूरी तरह से तैयार था। 17 एसपी, 14 एएसपी, 41 सीओ, 93 इंस्पेक्टर, 498 एसआई, 2,395 हेड कांस्टेबल,
22 महिला एसआई, 158 महिला कांस्टेबल, 10 पीएसी कंपनी तैनात कर दी गई है। यह हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि आखिर जो सुरक्षा चक्र है, जो चक्रव्यूह तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, वो किस तरह का है। तो पीएम के इर्द गिर्द जवानों का जत्था पूरी तरह से तैयार था, तो पीएम का सुरक्षा चक्र कैसा है इस पर भी हम नजर लगातार डाल रहे हैं और आपको बता रहे हैं। पीएम का सुरक्षा चक्र 17 एसपी, 14 एएसपी, 41 सीओ, 93 इंस्पेक्टर, 298 एसआई, 2000 से ज्यादा हेड कांस्टेबल, 22 महिला एसआई, 158 महिला कांस्टेबल, 10 पीएसी कंपनी भी तैनात कर दी गई है। तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही इसके खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए जोर शोर से रैलियों की जा रही हैं और इन रैलियों में भीड़ का रैला भी देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग भी पूरी तरह से एक्टिव है। बता दें कि सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मीटिंग के बाद अब चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है और आज से 3 दिनों के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में रहेगी और रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरे पर चिंतन भी कर सकती है। तो 3 दिनों के यूपी दौरे पर चुनाव आयोग, जैसा कि लगातार मैं आपको बता रही हूं, इसके अलावा रैलियों को रोकने की मांग पर भी चर्चा हो सकती है, हाई लेवल मीटिंग हो सकती है, ऐसी भी सुबगाहट है। मोदी की रैली से कांग्रेस की मैराथन तक जो भीड़ है वो जुटी हुई है। रैलियों पर रोक लगाएगा चुनाव आयोग, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग जब 3 दिवसीय यूपी दौरे पर है तो क्या इन रैलियों पर रोक लगने जा रही है, इस मीटिंग में क्या कुछ निकलने वाला है, ये इस पर नजर बनी रहेगी। इस दौरान राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी होगी। बता दें कि 3 दिनों तक लगातार चुनाव आयोग यूपी में बैठकें करेगा जिसमें राजनीतिक दल से लेकर सरकार के सचिव और पुलिस के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र गौतम लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, चुनाव आयोग 3 दिवसीय यूपी दौरे पर है, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की सुबगाहट देखने के लिए मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग अब दो दिन के लिए दौरे पर है, वो लगातार इस चीज का मुआयना करेंगे, एक स्टडी करेंगे कि अगर जिस तरह से लगातार जो चुनावी रैलियां हो रही हैं, क्या उससे आने वाले समय में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डॉक्टरों का भी कहना है और विशेषज्ञों का कहना है कि जो ओमिक्रॉन है उसकी जो वेव है वो फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ सकती है। अगर 5 राज्य के चुनाव की बात की जाए तो वो भी फरवरी और मार्च में होने हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार रैलियां हो रही हैं, हजारों लोग उनमें जुड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उनके पास किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई मास्क नहीं है, कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है। और इसके बाद अगर बात की जाए 2 गज की दूरी, वो भी पूरी तरह से सिर्फ नामों के लिए रह जाती है, किसी भी तरह से कहीं ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती है। ऐसे में चुनाव आयोग अब निकला है, हो सकता है कि आने वाले समय में जब ये मीटिंग खत्म होगी, उनके दौरे खत्म होंगे चुनाव आयोग के, तो चुनाव को थोड़ा आगे के लिए सरकाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन लगातार बढ़ रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 12 से 15 और 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाना है, तो हो सकता है कि कुछ महीने ये आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए अगर मैं बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करूं तो बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय डेल्टा वेरिएंट जो है वो लगातार देश में कहर बरपा रहा था। उम्मीद लोगों ने लगाई थी कि हो सकता है कि बंगाल के जो चुनाव हैं वो पोस्टपोन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या अब लगता है कि चुनाव पोस्टपोन हो सकते हैं 1-2 महीने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर उन दिनों की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे और उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के चुनाव थे, ग्राम प्रधान के चुनाव थे, तो उन दिनों जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, एक तरफ लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, एक तरफ वोटिंग डल रही है और दूसरी तरफ लोग ऑक्सीजन की मारामारी के लिए लगातार दौड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जब लगा था कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से मामले में आगे बढ़कर आया है और लगता था कि जिस तरह चुनाव आयोग भी लगातार जो पार्टियां हैं उनको जा रहा है, तो हो सकता है कि चुनाव आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त कहा जा रहा था कि सभी पार्टियों की तैयारियां हो चुकी है और वो अगर उसको पीछे किया जाता है तो जो उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ वो कहीं ना कहीं डूब सकता था। कुल मिलाकर तो ये जो यहाँ पर कहा गया था कि सारी तैयारियां हो चुकी है, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था चुनावों में वो भी वेस्ट हो जाएगा, तो ये सेम सिचुएशन तो इन चुनावों में भी हो सकती है ना जितेंद्र?
जी बिल्कुल, इन चुनावों में भी हो सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं, एक दिन में 2 से 3 रोड शो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी या फिर और तमाम पार्टियां लगी हैं कि मार्च में ही चुनाव हो जाए और जो नतीजे आने वो जल्द से जल्द आ जाए ताकि अगले 5 साल का जो रास्ता है वो साफ हो सके। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि लोगों को अब समझना पड़ेगा कि अगर वो रैलियों में जाते हैं तो वो अपने आप को ही खतरे में नहीं डाल रहे हैं, वो अपने आसपास के पड़ोसियों को और साथ ही अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। इन चीजों को समझना पड़ेगा क्योंकि अगर कोरोना होता है इस तरह की दोबारा से, जिस तरह से आपका अप्रैल में इस तरह की लहर आई थी, अगर इसी तरह से इस बार भी होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खतरे का ये संकेत है। क्योंकि किसी तरह से पहला लॉकडाउन और दूसरा लॉकडाउन तो लोगों ने झेल लिया, लेकिन अगर तीसरा लॉकडाउन अगर इन हालातों में लगता है तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी की दर है वो भी बड़ी तेजी से बढ़ेगी और जिस तरह से व्यापार ठप होगा तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जी। और इसके अलावा अगर बात की जाए मेडिकल स्वास्थ्य की, तो मेडिकल में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको वहां पैसा खर्च करना होगा, लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं जी। ठीक है जितेंद्र, अगर हम विपक्ष की बात करें, देखिये चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो या तमाम अन्य दल हो, वो भी लगातार इन दिनों उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो, तमाम जो राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। देखिए जब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जब प्रधानी के चुनाव हुए थे और उससे पहले अगर बंगाल की हम बात करें जहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे, तब विपक्ष ने बहुत हो हल्ला किया था कि डेल्टा वेरिएंट देश में है, ऑक्सीजन की किल्लत से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार को जनसभाएं करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अब वो विपक्ष कहाँ है? अब वो विपक्ष क्यों रैलियां कर रहा है, क्यों पीछे नहीं हट रहा है, क्यों आज कांग्रेस की रैली है लखनऊ में? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए, अगर इनके एमएलए की बात की जाए, एमपी की बात की जाए, जब भी इनसे एक सवाल ये किया जाता है कि जिस तरह से आप रैलियां कर रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, आप तो बच जाएंगे लेकिन जनता का क्या होगा, तो उनका एक सीधा सा बड़ा सरल जवाब होता है कि ये चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव कब होने, कैसे होने, ये तमाम चीजें वो चुनाव आयोग को टाल देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता जो इतनी ज्यादा जो आने वाले समय में हो सकता है संक्रमित हो जाए, क्या ये जवाब उनका सही है? चुनाव आयोग के पाले में गेंद फेंकना क्या सही है? क्या उनको खुद नहीं पता है कि अगर इस तरह की बीमारियां लगातार बढ़ जाएंगी, अगर कोरोना ओमिक्रॉन लगातार बढ़ेगा तो कितना खतरा हो सकता है? ऐसे में बड़े आसानी से चुनाव आयोग की तरफ गेंद फेंक कर कह देते हैं कि चुनाव आयोग का काम है चुनाव कैसे कराने, कब कराने, हमारा काम प्रचार करना, वो हम कर रहे हैं। क्या ये प्रचार इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये लोगों की मौत से जो है उनकी तुलना की जाए? जी बिल्कुल। और अगर जितेंद्र सरकार की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की ही, अगर मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लूं, तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी रैलियां कर रही हैं, जो जनसभाएं कर रही हैं, उसमें करीब 10,000, 20,000 और उससे भी ज्यादा संख्या जो है वो समर्थकों की और आम जनता की देखने के लिए मिल रही है। लेकिन उस दौरान जो है ओमिक्रॉन का खतरा इन्हें नहीं दिखाई देता है, लेकिन आम जनता के लिए तमाम पाबंदियां लगा दी हैं, गैदरिंग नहीं कर सकते, शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। क्या ये कोरोना सिर्फ नाइट कर्फ्यू के दौरान ही आ सकता है? दिन में जो रैलियां होंगी तब ओमिक्रॉन नहीं आ सकता, ये ओमिक्रॉन किसी को संक्रमण नहीं कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस पर भी एक बात ये है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की रैली हो रही थी, खास तौर पर अगर पिछली रैली की बात की जाए जो 25 दिसंबर को गाजियाबाद में हुई थी, उसमें अगर बात की जाए तो उस दिन जो क्रिसमस का जो त्योहार होता है, चर्च खुलने होते हैं, उनको कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर बंद कर दिया गया, लेकिन शाम को ही 10,000 से 20,000 की भीड़ इकट्ठा होती है और वो जो बीजेपी की जन विश्वास यात्रा है उसमें शामिल होती है। तो कहीं ना कहीं एक समुदाय इसलिए भी नाराज हुआ कि हमारे त्योहार के लिए तो जो है ओमिक्रॉन है, लेकिन दूसरे चीजों के लिए चुनाव का प्रचार करना है तो उसमें ओमिक्रॉन नहीं है। इसके अलावा अगर व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारी भी इस बात से नाराज हैं और लगातार, लेकिन यहाँ पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस गाजियाबाद में काफी अच्छी तरह से काम कर रही है। कल रात की अगर बात की जाए तो कल रात गाजियाबाद में पुलिस ने कुछ ऐसे पब को पकड़ा है जहाँ पर बिल्कुल जितेंद्र यहाँ मैं रोकना चाहूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज रैलियां जो है वो भरमार है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार ये नहीं देख रही है कि इन रैलियों में, इन जनसभाओं में कितनी ज्यादा संख्या में आम जनता पहुंच रही है, भीड़ पहुंच रही है, इससे संक्रमण कितना ज्यादा बढ़ सकता है। तो आज रैलियां बेशुमार है,
और उसके बावजूद सवाल भी बहुत सारे हैं कि इतनी सारी रैलियां हो रही हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष को मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए थे जब बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ था और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे। विपक्ष कह रहा था कि सरकार को इतनी बड़ी संख्या में रैलियां नहीं करनी चाहिए, चुनावों को पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन अब जब इतने बड़े सूबे में चुनाव होने जा रहा है, तब विपक्ष खुद साइकिल लेकर हाथ में हाथ डालकर निकल चुका है। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस की और सपा की, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में यही लोग हैं जो निकल रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। ये भीड़ जो है उत्तर प्रदेश के कोने कोने में देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह भी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। डॉक्टर रमीज रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है, देखिए थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा है, थोड़ा सा ओमिक्रॉन से जुड़ा है, थोड़ा सा आम जनता से जुड़ा है, इसलिए क्योंकि हमारा मुद्दा यही है कि रैलियां इतनी हो रही हैं, आम जनता के लिए पाबंदियां हैं, क्या इन रैलियों में संक्रमण नहीं आ सकता है ओमिक्रॉन का? जी, मैं बताना चाहूंगा मैडम, ओमिक्रॉन कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो लगना है अपने हमारे से ज्यादा हमारी तो डॉक्टर साहब से संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये हालात हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनके डेल्टा वेरिएंट जैसा कहर हमने देखा था। पूरे भारत में डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया, बहुत लोगों ने अपनों को खोया था। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन का लोग अपनों के लिए खड़े हुए थे लाइन में, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था। उसके बावजूद भी सरकार और विपक्ष इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? चलिए, लगातार मैं आपको बता रही हूं कि कहां कहां रैलियां हो रही हैं। एक बार फिर से नजर डालते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, और ये आपको तस्वीरें मैं दिखाने जा रही हूं। यूपी में रैलियों का सुपर मंगलवार है। आज कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे हुए हैं। हरदोई, भदोई और सुल्तानपुर में अमित शाह की रैली होने जा रही है, जिसको लेकर पहले से ही तैयारियां की जा चुकी हैं। इसके अलावा बात की जाए हापुड़ और बदायूं की, तो हापुड़ और बदायूं में जेपी नड्डा की रैली होने जा रही है, तीन बड़े चेहरे बीजेपी के। इसके अलावा उन्नाव में अखिलेश यादव की चार रैलियां होंगी, चार रैलियों में भारी भरकम भीड़ जुटाने की पुरजोर कोशिश होगी। लखनऊ में कांग्रेस की मैराथन दौड़ है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। तो यूपी में रैलियों का सुपर मंगलवार है। एक बार फिर से हमने आपको दिखाया कि कहां कहां कौन कौन सी रैली होने वाली है, कौन कौन से बड़े चेहरे इस रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो भीड़ है, लेकिन यहां ओमिक्रॉन नहीं आएगा। मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, चुनाव आयोग तीन दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में है, आज क्या क्या चर्चा हो सकती है? देखिए, जिस तरह से तीन दिवसीय दौरा किया जा रहा है, उसमें इन चीजों का आकलन किया जाना है कि अगर यूपी में इसी तरह से हालात बनते रहे और इस तरह से जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि यूपी में दो से तीन केसेस हैं, लेकिन दिल्ली बिल्कुल सटा हुआ है। और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए, तो एनसीआर में बहुत से ऐसे शहर हैं जो गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, ये आते हैं। ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ से लोग संक्रमित होते हैं तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यूपी के दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो वहाँ पहुंचेंगे, उन लोगों को भी संक्रमित करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है इन चीजों पर हो सकती है एक बैठक हो और ये निकलकर सामने आए कि चुनाव को कुछ महीने के लिए आगे कर दिया जाए। जब तक पूरे लोगों को वैक्सीनेटेड नहीं किया जा सकता है, तब तक हो सकता है कि चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि जब तीन दिवसीय बैठक खत्म होगी, दौरा खत्म होगा, ये फैसला उसके बाद आना होगा। जी,
बिल्कुल जितेंद्र, अगर बात की जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी एक पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कि चुनावों को पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि ओमिक्रॉन लगातार बढ़ रहा है। अब क्या इसका कोई जवाब आया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी इसी तरह का कोई जवाब फिलहाल अभी मीडिया में नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जो रैलियां हैं वो लगातार चल रही हैं। अभी अभी कुछ समय बाद जो है जेपी नड्डा की हापुड़ में रैली होनी है। हापुड़ दिल्ली से मात्र 20-50 किलोमीटर दूर है, और अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में ओमिक्रॉन के लगभग 500 के आसपास केसेस आ चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर उसमें से 2 से 3 मरीज वहां पहुंच जाते हैं तो क्या हालात होंगे। हालांकि इस चीज को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है, कहा भी जा रहा है, लेकिन ये चीज किसी से छुपी नहीं है कि यूपी में टेस्टिंग के क्या हालात हैं, किस तरह से टेस्टिंग की जाती है और दिल्ली में किस तरह से टेस्टिंग की जाती है। जी चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम और भी लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उसका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो ओमिक्रॉन रैली और इलेक्शन, इसलिए हमने इस मुद्दे को चुना क्योंकि ये बहुत जरूरी है आम जनता के लिए, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, रैलियां कम नहीं हो रही है, इलेक्शन सर पर है, इससे ओमिक्रॉन कितना और ज्यादा बढ़ सकता है, सबसे बड़ा सवाल आम जनता का यही है, क्योंकि आम जनता पर पाबंदियां लग रही है लेकिन नेताओं की रैलियों पर पाबंदी नहीं लग रही है। कब लगेगी ये चुनाव आयोग तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।